अभी रिसेंटली यार आपके भाई ने है ना कुछ 2,000-3,000 रुपए के प्राइस बजट में ना तगड़े तगड़े गेमिंग माउस का रिव्यू किया था, इंक्लूडिंग लॉजिटेक G402, कॉस्मिक लेनोवो, वायर वायरलेस सारा मसाला। लेकिन भाई उन वीडियोस में ना कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किया, भाई रेजर ब्रांड का ऐसा माउस लेकर गया जिसमें RGB भी दी गई हो और 2-3,000 रुपए के प्राइस बजट में मिल जाए। तो लो भाई इस वीडियो में लेकर आया आपका भाई रेजर का ये बेसिलिस्क V3 गेमिंग माउस, जो कि भाई मुझे अभी अमेजन प्राइम डे सेल में ना 3,000 रुपए के आसपास पड़ गया था। देख लो ये रहा अमेजन ऑर्डर स्क्रीनशॉट। 3,000 रुपए के आसपास के बजट में एक बढ़िया माउस ढूंढ रहे हो ना तो भाई वो पुराने वीडियो में जो माउस रिव्यू करे वो एक तरफ और ये एक तरफ। वैसे भाई इस वीडियो के अंदर में इस माउस की अनबॉक्सिंग में जो मेरे फर्स्ट इंप्रेशन रहे हैं ना, स्पेशली रेजर के इस हाइपर स्क्रॉल टिल्ट व्हील वाले फीचर को लेकर के, मतलब एक क्विक रिव्यू होने वाला है। मैंने 2-3 घंटे इसकी टेस्टिंग करी है सिर्फ, मैं इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के टेस्ट करना चाहता हूँ सो दैट मैं इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है ना उस पर भी अच्छे से कॉन्फिडेंटली कॉमेंट कर सकूँ। तो खैर वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, बिना देरी करके वीडियो को शुरू करते हैं। भाई उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को जोर से ऑल पर सेट कर दो सो दैट इस तरीके का इंटरेस्टिंग कंटेंट फ्यूचर में स्किप ना हो। देख सकते हो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मिलता है। पैकेजिंग इस माउस की भी ना हर प्रोडक्ट की तरह लाजवाब की गई है। देख सकते हो सामने इनकी ब्रांडिंग है रेजर बेसिलिस्क V3, मतलब प्रीमियम वाली बातचीत कर रखी है। बेसिलिस्क में है ना कुछ रिफ्लेक्शन आता है लाइट का, चारों तरफ इसमें हाईलाइट्स कर रखे। भाई इतने सारे फीचर इसमें दे रखे ना कंपनी ने, मतलब मैं आपको 1 by 1 आगे बताऊंगा। फटाफट से डब्बा खोल लेते हैं और देखते हैं क्या क्या माल मसाला में बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। तो भाई सबसे पहले हमें कुछ पुस्तक यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जहां पर सबसे ऊपर रेजर ब्रांड के CEO ने ना अपनी मन की बात कर रखी अनलीश योर ट्रू पोटेंशियल, तो भाई करेंगे अनलीश। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ी सारी पुस्तक दी गई है अलग अलग भाषाओं में, ये कुछ काम की नहीं आने वाली, इसको साइड पटकते हैं। और इसी के अंदर भाई एक पत्ता मिल जाता है रेजर के स्टिकर्स का, जहाँ पे 4 गेमर्स, बाय गेमर्स, सांप वाला, मतलब इनके जो स्टिकर्स की कलेक्शन रहते हैं वो यहाँ पर दे दिए 2-4 स्टिकर्स। फाइनली भाई कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में है ना हमें ये माउस देखने को मिल जाता है। सबसे पहले इसकी वायर की बात करना चाहूंगा, यहाँ पर स्पीड फ्लेक्स वाली जो उनकी सिग्नेचर केबल रहती है वो दी गई है, जैसे कि रेजर के वाइपर में दी गई थी, सेम वही क्वालिटी वाली केबल लग रही है मुझे। टाइप ए USB पोर्ट दिया गया है ग्रीन टचिंग के साथ में। वायर की जो लेंथ है वो ठीक है, लगभग 5-6 या मैं बोलूँ 6-7 फीट के आसपास देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं भाई इस चमचमाते रेजर के बेसिलिस्क V3 माउस की। इस माउस में भाई 11 बटन दिए गए हैं और 11 के 11 बटन है ना प्रोग्रामेबल है रेजर के साइनएप सॉफ्टवेयर के थ्रू, है ना आप इनको कस्टमाइज कर सकते हो। लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, मिडल व्हील, मिडल व्हील में एक बटन तो नॉर्मली प्रेस होता ही है मिडल व्हील वाला, साथ ही में लेफ्ट में और राइट में भी है ना इसको प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्क्रॉल व्हील है रेजर का हाइपर स्क्रॉल टिल्ट व्हील यहाँ पर दिया गया है। इसमें 2 फंक्शनैलिटी दी गई है, एक देख सकते हो सॉफ्टवेयर में यहाँ पे टैक्टाइल वाला ऑप्शन दिया गया है, एक फ्री स्पिन वाला। अगर हम टैक्टाइल वाले को इनेबल करते हैं तो आराम आराम से बड़े टैक्टाइल फील के साथ है ना आप इसको मूव कर सकते हैं, आपको फील होएगा कि स्टेप बाय स्टेप कितना आप स्क्रॉल कर रहे हैं। और अगर हम कर देते हैं इसको फ्रीली स्पिन तो भाई ये घूमते ही चला जाएगा, रुकने ही नहीं वाला, मतलब जितना प्रेशर से करेंगे उतने प्रेशर के टाइम तक। और यहाँ पर जो ये स्मार्ट रील वाला फीचर है ना इसको इनेबल करने के बाद ये खुद ही टैक्टाइल से है ना फ्री स्पिन वाले में स्विच हो जाया करेगा, तो क्विकली अगर हमें फ्लिक करना है ना स्क्रॉल व्हील को तो यहाँ पर कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा टैक्टाइल में चला जाता है। तो यार मिडल व्हील में यहाँ पे मैं बोलूंगा काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी उन्होंने एडवांस फीचर डाल दिए, जो कि 3,000 रुपए के बजट में भाई मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। खैर इसके अलावा भाई यहाँ पर और फीचर उन्होंने दे दिए स्क्रोलिंग के, अगर आपको एक्सिलरेशन के साथ छेड़छाड़ करनी है कि मतलब आप कम प्रेशर से व्हील को स्पिन करते हैं लेकिन तेजी से स्क्रोल लग जाए तो आप वो भी कर सकते हैं, काम करती चाहिए चीजें। और इसके नीचे यहाँ पर जो बटन दिया गया है बाय डिफॉल्ट इसमें ये फीचर डाला गया है कि टैक्टाइल से फ्रीली स्पिन वाले में अगर हमें स्विच करना है तो मिडल व्हील स्विच हो जाएगा। और ठीक इसके नीचे एक और बटन दिया गया है जिसमें बाय डिफॉल्ट DPI वाला फीचर दिया गया है। और साइड में 3 बटन दिए गए हैं, ये वाला जो बटन है ना ये सेंसिटिव क्लच वाला बटन है, जैसे कि लॉजिटेक के G402 में दिया था। यहाँ पर हम इसको जब तक प्रेस एंड होल्ड करेंगे ना तो ये जो भी हमने इसमें DPI का लेवल सेट कर रखा है इंस्टेंटली उस लेवल के DPI में पहुंच जाएगा। तो इस वाले बटन की जरूरत है ना FPS गेम्स में काफी ज्यादा पड़ती है, स्पेशली वैलोरेंट जैसे CSGO जैसे जहां पर हमें हेडशॉट मारना है। अगर हम 800 की DPI पे खेल रहे हैं और हेडशॉट मारना है हमें तो वहां पे हमें निशाना लगाने के लिए एम लगाने के लिए ना थोड़ा कम DPI में खेलना पड़ता है सो दैट एम जो है ना अच्छे से लग जाए। और भाई इस माउस के नीचे की तरफ आप ये जो बटन देख रहे हो एक्चुअली इस माउस के अंदर ना 5 onboard memory प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, तो अलग अलग प्रोफाइल्स में स्विच कर सकते हैं इस बटन को इंस्टेंटली प्रेस करके। और भी इसमें 100% PTFE फिट्स दिए गए हैं जैसे कि हमें रेजर के वाइपर में देखने को मिले थे। इसके अलावा यहाँ पर वेट की मैं बात करूँ लगभग 103 ग्राम के आसपास का ना इसमें हमें वजन देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा हैवियर साइड में इसको बोल सकता हूँ और माउस के कंपैरिजन में। और भाई इसकी अगर RGB पे एक झलक डालें तो इसमें कमाल की RGB दी गई है ब्राइटनेस के मामले में भी।
पिछले रिसेंटली आपके भाई ने डेनवर ब्रांड के 3 जेंटलमैन कलेक्शन वाले ना अलग अलग फ्लेवर के परफ्यूम्स मंगवाए थे, एलेक्सिर, यूटोपिया एंड मैग्नस। ऑब्वियसली आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, डेनवर क्यों? सिंपल से 3 या 4 रीजन है। प्रीमियम पैकेजिंग, जैसे कि आप देख सकते हो तीनों ही परफ्यूम्स की जो पैकेजिंग है ना यार, बड़ी प्रीमियम साउंड कर रही है। इट स्मेल्स सो गुड, लिटरली यार एकदम नेक्स्ट लेवल स्मेल है तीनों ही फ्लेवर्स की। भाई लग्जरी फील आ जाती है रीजनेबल प्राइस में। देख सकते हो उसको, इन पर प्राइस है ना बड़ा रीजनेबल सा रख रखा है ब्रांड ने। हालांकि फ्लक्चुएट हो सकता है कभी भी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपके भाई ने लिंक डाल दिया है, चेक कर लेना। ओ शिट भाई, रेजर के माउस का शूट कर रहा था मैं तो। भाई यहाँ पर 11 प्रोग्रामेबल LED जोन्स दिए गए हैं जो कि हम रेजर के क्रोमा RGB वाले मॉड्यूल से है ना कंट्रोल कर सकते हैं। बड़े प्यारे प्यारे इफेक्ट भी खुद से सेट कर सकते हैं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इन्होंने खुद से है ना 5-6 इफेक्ट इसमें दिए गए हैं। तो सॉफ्टवेयर की मैं मोटा मोटा बता दूँ, भाई जो रेजर के वाइपर मैंने फीचर एक्सप्लेन किए थे ना, उनमें से एक दो फीचर्स निकाल करके कुछ और फीचर्स इसमें ऐड ऑन कर दिए हैं। और भाई इसके सेंसर के स्विचेस की जो बातचीत है ना, मैं डिटेल वीडियो में ही करूंगा। ओवरऑल भाई माउस है ना प्राइस के हिसाब से बहुत जबरदस्त है, बड़ा अग्रेसिव प्राइस है। अगर आपको 3000 मिल रहा है, मैं गारंटी से बोलूंगा भाई इसको ले लो, कॉन्फिडेंटली बोलूंगा, मतलब कि ले लो, सोचना मत, अदरवाइज अच्छी डील खोदोगे। तो चलो यार इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑल पर सेट कर देना, सो दैट इसका रिव्यू वीडियो या और प्रोडक्ट्स का जो इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है ना चैनल पर वो स्किप ना हो। मैं मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।